गढ़ी फार्म है, ग्राम जगदेवपुर का मुद्रा है और गन्ना विकास परिषद कुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और इस प्लाट में मैं खड़ा हूँ, ये बहुत खूबसूरत प्लाट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फ्लावर भी दिख रहे होंगे, पूरा पार्क जैसा नजारा आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये पार्क नहीं है, ये हमारे प्रगतिशील कृषक जो है गुरजीत सिंह जी, ये इनका खेत है जिसमें ये ट्रेंच से गन्ना बोया गया है। नई चीज इन्होंने लगा रखी है जिसको अलसी बोलते हैं, पीली और काली दो प्रजातियां हैं अलसी की। और ये देखिए बहुत खूबसूरत दिख रहा है, फ्लावर है, इसमें फल भी बनने लगे हैं और इसमें CO0118 गन्ना प्रजाति लगाया गया है। विस्तृत बात करूंगा गुरजीत सिंह जी से। गुरजीत सिंह ये बताइए, ये खेत जो है इतना अच्छा दिख रहा है, तो आप बताओ इसके पहले इस खेत में क्या था? इससे पहले धान था। धान था, तो धान कब काट लिया था आपने? धान सर हमने काट लिया था अक्टूबर के लास्ट में। अच्छा, तो कितने दिन में तैयारी करके? इसको जी दस दिन लग गए। दस दिन में आपने तैयारी कर लिया, तो खेत बहुत अच्छा तैयारी आप लोग करते हैं सर। इसको हमने आपकी सोसाइटी में जी, गन्ना सोसाइटी में MB प्लाव आया। MB प्लाव यानी गन्ना समिति में जो MB प्लाव आया है उससे आपने जुताई किया? उससे जुताई की। वो तो फिर अच्छा तैयारी होनी ही थी खेत की, तो उसे क्योंकि अच्छी फसल, अगर अच्छी फसल आपको दिखती है तो आपकी तैयारी पहले जो आपने किया है उसका असर दिखता है। तो फिर आपने ये बुआई कब कर दिया? 4 नवंबर में। 4 नवंबर को बुआई की आपने। ये अलसी आपने कब बो दी? अलसी जी 15 दिन बाद बोई गई है, जैसे जी वही जी 16-17 नवंबर। 16-17 नवंबर को आपने अलसी बो दी। और ये कौन सी गन्ना प्रजाति है? CO0118 अर्ली गन्ना प्रजाति है और बहुत अच्छी तरीके से लोकप्रिय हो रही कृषकों के बीच में। और ये मुझे लग रहा है कि करीब 10-12 एकड़ तो आपके पास CO0118 बोया होगा विगत वर्ष में, और इस बार भी काफी बोया आप। जी सर, 25-30 हेक्टेयर गन्ना तो हर साल लगाते ही हैं। कितना? और ये ट्रेंच भी से ही बुआई है? ये ट्रेंच भी। तो ये गन्ने की लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? 4 फीट है। 4 फीट है। और ये अलसी की एक लाइन दिया है। और इसमें अलसी का एकड़ के हिसाब से सीड कितना लग गया? 3 एकड़ का प्लाट है, 3.5 किलो लगा। अच्छा, तो यानी 3.5 किलो करीब बीज लगा, 3-3.5 एकड़ तो इन्होंने ये लगा रखी है अलसी। और ये उधर है धनिया भी 1 एकड़ लगा रखा है, जो आपको बड़ा वाला मुंह दिख रहा होगा स्क्रीन पे। जमाव तो बहुत अच्छा है इसका, गन्ने का जी बहुत अच्छा है, जर्मिनेशन तो बहुत है जी। अलसी ने मैं देख रहा हूँ, ये जो आपका प्लाट है ये पूरे क्षेत्र में क्योंकि काफी चर्चित है, क्योंकि ये जो देख रहे हैं पीछे हाईवे गुजरा है जो लखीमपुर से पलिया दुधवा नेशनल पार्क को जाता है, और जो भी कृषक इस प्लाट को एक बार देखता है वो यहाँ पे फोटो जरूर खींचता है। हम लोग जब पास में जाते हैं और किसानों के बीच में चर्चा करते हैं तो गुरजीत सिंह आपका नाम आता है उसमें। कहते हैं वहाँ पे एक नई चीज बोई है, और कुछ लोग पहले कह रहे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोया है। तो आप जहाँ जाते कर साहब, वो गढ़ी फार्म में प्लाट है, बिल्कुल आनंद आ जाता है देख के। सर वो पूछते हैं कई, कल भी यहाँ फोटो शूट कर रहे थे, फोटो शूट भी करते हैं, वीडियो वगैरह बना, इतना अच्छा लग रहा है कि हमको समझ नहीं आ रहा है क्या चीज बोई है। अच्छा अच्छा, ना तो पता लग रहा है लेकिन ये चीज नहीं पता समझ आ रही क्या हुआ है, फिर उनको बताया गया कि अलसी। अच्छा, और अलसी के बारे में गुरजीत सिंह ये भी माना जाता है कि इसमें जानवर इसको छूता तक नहीं छूता, कोई मतलब जानवर नहीं खाता भी नहीं है इसको, बाहरी जानवर हमारा जानवर से। और अभी आप कह रहे थे इसमें हल्के से कांटे हैं, हल्के से कांटे होते हैं, जानवर इसमें घुसता भी नहीं, और छोटे जानवर है वो भी इसमें आते नहीं। अच्छा, खरगोश वगैरह भी नहीं आते, नहीं आते, तो कुछ गन्ने को नुकसान कभी खरगोश पहुंचाते हैं तो ये नहीं आते हैं, और जानवर तो बिल्कुल नहीं आएंगे, बड़ा जानवर भी नहीं, कोई नहीं आते हैं। तो इसमें दो प्रजाति आपने अलसी की बताई सर, एक पीली है। अच्छा, एक पीली और एक काली वाली। तो ये कब तक निकल जाएगा? ये अप्रैल के जी वही 10 पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में। अच्छा, इसमें एक खास बात ये कि मैंने देखा और सारी फसलें थोड़ा गन्ने को डिस्टर्ब करती हैं, ये तो बिल्कुल ऐसे खड़ी हुई है कि जरा सा 1 इंच भी, बल्कि गन्ने को और किनारे जगह ही दे रहे हैं। जगह दे रहे हैं, ये तो है सर, ये दूरी का ही कारण है जी, जो दूरी है ना बीच में सर, उसी का 4 फुट की दूरी है, बीच में लाइन एक हुई है। और अलसी की वजह से लग रहा गन्ना भी अच्छा लग रहा है, गन्ना भी तो गन्ना, ये भी हरी हरा बिल्कुल हरा ग्रीन है, और वो भी हाँ वो भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। खूबसूरती आप देख रहे हैं, बहुत कम आपको प्लाट ऐसे दिखेंगे कि जो इस तरीके का आपको खूबसूरत प्लाट दिखा हो, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो। तो अगर किसी किसान को गन्ने के खेत में अगर पार्क का नजारा देखना है तो कम से कम एक बार इस खेत का अवलोकन जरूर करें, और ये क्लिप में जो देखेंगे वो देखेंगे और मौके पे भी आके देख सकते हैं कि हमारे प्रगतिशील कृषक कितनी बेहतरीन खेती कर रहे हैं।
और सह फसल का देखिए एक बहुत शानदार आश्चर्यजनक नमूना है जो आप इस प्लाट को देख रहे होंगे। पीछे देखिए रास्ता गुजरा है जो कि वो ट्रैक्टर वगैरह जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में जो गुजरते हैं इस प्लाट को देखते जरूर है। बिल्कुल हाईवे पे है जो आप देख रहे हैं, पीछे रास्ता चल रहा है लखीमपुर से दुधवा नेशनल पार्क को ये रास्ता जाता है। और देखिए बच्चे पार्क पार्क में जिस तरीके नहीं चलते हैं, बच्चे भी साथ में इधर आ गए, अच्छा लग रहा है, इनको अच्छा लगता है, घर छोड़ के आ जाते हैं यहाँ की, हम लोग को ले चलो वहाँ खेत में। जी जी, और खेती देखिए बहुत अच्छी करते हैं आप, एकड़ पे कितना गन्ना ले लेते हैं? सर हमने पिछले साल तो 500 प्लस था, 500 कुंतल प्रति एकड़ तक देखिए गन्ना ले लेते हैं। CO0 118 है। अलसी का तो अभी तय, वैसे एक कुंटल से ऊपर ही बताते हैं, दो कुंटल भी बताते हैं एकड़। अच्छा, एकड़ में अलसी दो कुंटल, वैसे देखने से तो यही लगता है कि दो कुंटल जरूर निकले एकड़ के हिसाब से, एकड़ के हिसाब से दो कुंटल अलसी जरूर निकलेगी। और मैं आपको जानकारी दे दूं, अलसी का रेट फ्लैक्चुएट नहीं करता है बहुत ज्यादा, ये करीब 800 से 9000 के बीच में ही इसका रेट रहता है। बहुत अच्छा रेट मिलता है और इसमें कोई नुकसान नहीं है। इसमें आपने अलसी के लिए तो कुछ किया नहीं? कुछ नहीं सर, जो बुवाई करने में जो फर्टिलाइजर दिया वही दिया, अलग से कोई नहीं। अच्छा, बुवाई में करने के लिए क्या क्या आपने दे दिया था एकड़? कुछ एक कुंटल DAP, एक कुंटल DAP जी। अच्छा, और सर आधी बोरी यूरिया, आधी बोरी यूरिया, बाकी सल्फर भी भैया कुछ जानकारी है ज्यादा। अच्छा, एक बैग बताया था बैग एकड़ के हिसाब से, तो ये उर्वरक दिया गया था उसके तरह अभी कुछ नहीं दिया गया, अभी उसके बाद केवल गुड़ाई की गई है। और चूंकि अभी जाड़ा में 2-3 बरसात होती रही तो बरसात का ही पानी जो लगा है, लगा अलग से अभी सिंचाई नहीं की गई, अब तैयारी है बस सिंचाई के लिए। बहुत अच्छा लगा गुरजीत सिंह जी, देखिए और अभी जब ये पकेगी तब भी मैं आपको इसको दिखाऊंगा, बाकी जो हमारे कृषक हैं। और ये अभी जो फ्लावरिंग है तो फ्लावरिंग का भी एक स्टेज दिखाना जरूरी था, और गन्ना तो आप शानदार देख ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत सिंह, और इसी तरीके से आप सह फसल लगाते रहिए, इससे हमारे किसान बहुत मोटिवेट हो रहे हैं। बच्चों जरा अपना परिचय दे दीजिए एक बार। और आपका? तो हमने मन लगा, हमने सर कभी बोई नहीं थी, बुजुर्ग बोते थे नहीं, तो हमारे मन में भी डर था, इसका पौधा देखना करने लगे कब बोलिए। अलसी और चना मिक्स बोते थे, चना अलसी उखड़ जाती चना उसके बाद तो वही रहता था, आप लोगों ने चना भी छोड़ दिया अलसी भी छोड़ दी, सब जो देसी चीजें छोड़ दी तभी परेशान रही थी।